दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा का खुलासा। बताया कोरोना के कहर के बावजूद कब और कैसे हो सकता है आईपीएल। दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में हम आपको, तो दोस्तों आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो रोहित शर्मा के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों बगैर समय गवाए बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग के लिए तब तक इंतजार किया जा सकता है जब तक देश कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से पार नहीं पा लेता। इस महीने के शुरू में आईपीएल को 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर 21 दिन के लॉकडाउन के कारण इस टी20 टूर्नामेंट के 13वें सत्र के आयोजन की संभावना कम नज़र आ रही है। रोहित ने कहा, हमें सबसे पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, पहले स्थिति बेहतर होनी चाहिए, फिर हम आईपीएल के बारे में बात कर सकते हैं। पहले जीवन को सामान्य होने दें। यह सलामी बल्लेबाज अपने साथी युजवेंद्र चहल के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान सवाल का जवाब दे रहा था। भारत में अब तक कोरोना वायरस से लगभग 700 मामले दर्ज किए गए हैं और 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों विश्व स्तर पर इस महामारी के कारण तकरीबन 22,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत भर में बंद के कारण भारतीय महानगर भी सुनसान बने हुए हैं। रोहित ने कहा, मैं बंबई को पहले ऐसा कभी नहीं देखा। क्रिकेटर होने के कारण हमें परिवार के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता, कई दौरे पर जाना होता है। यह समय उनके लिए साथ बिताने का है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस जानकारी के संबंध में आपकी क्या राय है, आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।